कोतवाली विकास नगर की चौकी बाजार पुलिस द्वारा वाहन चोरी के मामले में दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा उनके पास से चोरी किया गया पिकअप वाहन भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी युवक नशे के आदि बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह पुत्र छतर सिंह निवासी ग्राम डूंगरी त्यूणी जनपद देहरादून द्वारा कोतवाली विकास नगर में एक तहरीर अज्ञात चोरों द्वारा अपने पिकअप वाहन संख्या UK 16CA 1958 को चोरी करने की दी गई थी, जिसकी तहरीर के आधार पर कोतवाली विकास नगर पर धारा 379 भारतीय दंड विधान में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक विवेक भंडारी चौकी प्रभारी बाजार विकास नगर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज और मुखबिर की सूचना पर विपिन रतुड़ी उम्र 22 वर्ष पुत्र विजम्बर दत्त रतुड़ी निवासी ग्राम रजाणु तहसील चक्राता और रमेश चौहान उम्र 26 वर्ष पुत्र केसर सिंह चौहान निवासी ग्राम बुराइला लोहारी तहसील चक्राता को चोरी किए हुए वाहन संख्या UK 16CA 1958 पिकअप के साथ डाकपत्थर रोड होटल के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में दोनों आरोपी युवकों द्वारा नशे के आदि होने पर इस वाहन को चोरी करने की बात सामने आई। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। राजेंद्र सिंह निवासी त्यूनी द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई थी कि दिनांक 21/8/2023 को उनके द्वारा अपना पिकअप वाहन जो रसूलपुर में खड़ा किया गया था तो चोरी हो गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो इस सूचना पर तुरंत हमारे द्वारा FIR पंजीकृत की गई तथा इस इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें चौकी इंचार्ज विवेक भंडारी, कांस्टेबल सोनलाल और अन्य सिपाही थे। इसके अलावा हमारे द्वारा SOG की भी मदद ली गई और आज ये पिकअप वाहन पिकअप वाहन को बरामद कर लिया गया है दो अभियुक्तों से, जिनके नाम विपिन रतुड़ी व राजेश चौहान है, जो चक्रोता के निवासी हैं। तो आज हमारे द्वारा पिकअप वाहन ये क्लासिक होटल विकास नगर के पास से बरामद किया गया, जो ये कहीं बेचने के लिए UP की तरफ जाने वाले थे, इसी बीच हमारे द्वारा ये वाहन की बरामदगी कर ली गई। उत्तराखंड सनसनी YouTube चैनल से जुड़ी सभी खबरें पाने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।